और दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के सामने काफी चुनौतियां आने वाली हैं। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस, हर चुनौतियों से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। कोरोना काल में लोगों की मदद, क्राइम पर लगाम लगाने में सक्षम। दिल्ली पुलिस जो जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है, पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करती है तो क्राइम को रोकने के लिए कार्रवाई भी करती है। वहीं दिल्ली पुलिस अपना स्थापना दिवस मना रही है, लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर मुख्यालय में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस हर चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली में पुलिस के लिए 94,358 पद हैं, लेकिन अभी 78,363 पुलिसकर्मियों के साथ काम किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के 75वें साल को भी मना रहे हैं। 1948 में IG दिल्ली पुलिस फर्स्ट उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले समय में अगले 5 साल 10 साल में जो भी, चाहे वो आप मीडिया के साथ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उनको किस तरह से इंटरैक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके सही समाचार सही वक्त पे देने की कोशिश करना, इसके लिए एक सीनियर अधिकारी के सुपरविजन में ये सारी व्यवस्था हो, इसके लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग और मीडिया सेल डिवीजन बनाया गया है। दिल्ली में क्राइम को रोकने के लिए 790 नए वाहनों को दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है, जिससे पेट्रोलिंग करके क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। किसी भी पुलिस फोर्स के लिए जनता जब तक पुलिस के साथ नहीं हो तब तक पुलिसिंग करना उतना इफेक्टिव नहीं होता है। पुलिसिंग एफर्ट्स में अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो तो न सिर्फ हमारे लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है बल्कि हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। दिल्ली पुलिस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी लंबे समय से बहुत ही शानदार कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इनको स्ट्रीमलाइन करके यूनिफॉर्मली हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे शहर में इम्प्लीमेंट करना और गाइड करना, सुपरवाइज करना, उसके लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग डिवीजन बनाया गया है। दिल्ली में पुलिस अपना रोल अच्छे तरीके से निभा रही है। पुलिस लोगों की मदद कर रही है तो अपराधियों पर कार्रवाई भी कर रही है। दिल्ली पुलिस का काम वाकई सराहनीय योग्य है। संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।